हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन का ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू, साक्षात्कार, जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं। क्या होता है इसका मीनिंग? वैसे यूजुअली आपको पता ही होगा कि साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, कि दो लोग आमने सामने बैठकर क्वेश्चन आंसर करते हैं और उनका जवाब एक जो भी साक्षात्कारकर्ता होता है यानी जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो आपको जिस भी रिगार्डिंग आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट ऑन करेगा और जो भी सामने इंटरव्यू देने आया है उसको आंसर देना है। तो चलिए इसका बेसिक मीनिंग पढ़ते हैं। क्या होता है इंटरव्यू? इज अ फॉर्मल मीटिंग, ये एक औपचारिक मीटिंग है। इन एन इंटरव्यू वेरियस पीपल आस्क वेरियस क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू, यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बहुत से क्वेश्चन पूछता है किससे, जो इंटरव्यू देने आया है। इंटरव्यू इज अ वर्ड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एक साक्षात्कार जो है वो फ्रेंच जो लैंग्वेज है फ्रांस की, उस लैंग्वेज से लिया गया है। इट मीन्स टू सी ईच अदर, यहाँ पर ये इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। In this, the person asking the questions tries to gauge the knowledge of the interview through those questions. यानी कि इसमें प्रश्नों के माध्यम से पूछने वाला दूसरे व्यक्ति के ज्ञान की जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि अगर इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके नॉलेज कितना है वो चेक करता है, उसके ज्ञान की जानकारी लेता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम आगे देखते हैं कि साक्षात्कार चयन प्रक्रिया का सबसे ज्यादा प्रचलित और महत्वपूर्ण लोकप्रिय अंग है। यह आवेदक की योग्यताओं और गुणों को सीधे तौर पर आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श के द्वारा पहचाने जाने और आंकने की क्रिया है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, नेक्स्ट में हम इसी का आगे थोड़ा सा ब्रीफ मीनिंग ले लेते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि इंटरव्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर पार्ट ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस। ये जो है वो चुनाव जो करने की जो भी प्रक्रिया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इंटरव्यूज एबिलिटी through एक सेकेंड थ्रू ओरल डिस्कशन। यानी कि वो जो भी इंटरव्यू दे रहा है उसकी जो भी एबिलिटी है वो ओरल डिस्कशन के जरिए वो पता कर रहा है। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट, आगे दे रखा है इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द पर्सन इंटरेस्ट। के ये प्रोसेस जो है वो एक पर्सन का इंटरेस्ट चेक करती है, उसका मोटिवेशन क्या कहाँ है वो चेक करती है, फिर उसका देखती है
कि उस पर्सन का, देखो बातचीत करने से हर पर्सन का नेचर पता चल जाता है हमको, फिर उसके बैलेंस करना, बैलेंस क्या है, उसका संतुलन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी वो ले सकता है, ये एक कंपनी में मोस्टली यूज़ किया जाता है या किसी ऐसी जगह पर जहाँ रोजगार के अवसर हो, ठीक है, ताकि वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभा सके और उस एक सेकेंड ताकि वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी कंपनी को सही से हैंडल कर सके, जिससे आपको फ्यूचर में आसानी हो सकती है। फिर है टेकिंग एबिलिटी, कॉमन सेंस, इस तरह की सारी जो एबिलिटीज है वो एक जो भी इंटरव्यू देने आ रहा है उसके ओरल डिस्कशन के जरिए या फिर उसके कुछ पेपर वर्क के जरिए हम पता लगा सकते हैं, बाय मैच्योरिटी एंड बाय स्टडिंग एंड इवेल्युएटिंग हिज गेस्चर्स, बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन, उसकी हाव भाव, उसका व्यवहार और उसके क्या एक्सप्रेशन, यानी उसके बोलने का तरीका, बैठने का लहजा, इन सारी चीज़ों को हम नोट करके हम अपने उस पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस ओरल डिस्कशन के ज़रिए हम निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा इंटरव्यू, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम वापस से देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल मीटिंग, इज एन इंटरव्यू, वेरियस पीपल आस्क वेरियस क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू। इंटरव्यू इज अ वर्ड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, वहाँ से लिया गया है। इट मीन्स टू सी ईच अदर, ये एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं। इन दिस द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चंस ट्राई टू गेज द नॉलेज ऑफ द इंटरव्यू थ्रू दोज क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के जरिए जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो देने वाले की जो भी नॉलेज है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर पार्ट ऑफ द सेलेक्शन प्रोसेस, ये जो चुनाव की जो भी प्रक्रिया है उसका सबसे प्रचलित और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इंटरव्यूज एबिलिटी थ्रू ओरल डिस्कशन, कि हमारी जो भी एक इंटरव्यू देने वाले की, इंटरव्यूई की जो भी एबिलिटीज़ है हम ओरल डिस्कशन के जरिए वो जान सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द पर्सन इंटरेस्ट, मोटिवेशन, नेचर, ये एक प्रोसेस है चेक करने की, क्या चेक करने की, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, नेचर, बैलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग एबिलिटीज, कॉमन सेंस, मैच्योरिटी, बाय स्टडिंग एंड इवेल्युएटिंग हिज गेस्चर, बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक, इंटरव्यू ये होता है। अब हम देख लेते हैं, हमने इंटरव्यू का मीनिंग तो समझ लिया है, इंटरव्यू क्या होता है ये भी समझ लिया है। इंटरव्यू इन शॉर्ट क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये चेक किया जाता है कि उस बंदे का नेचर कैसा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, वो भी किस तरह से उसके गेस्चर, पोस्चर्स और बिहेवियर की और एक्सप्रेशन के जरिए हम पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपका, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि इंटरव्यू के कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। Objectives of interview, यानी साक्षात्कार के उद्देश्य, ठीक है, अब वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि प्रार्थी को कंपनी के उद्देश्य से अवगत कराना है, यानी कि the applicant, the organization informs the applicant about the company's objective. कंपनीज ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला हमारा जो इंटरव्यू का उद्देश्य है वो ये है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एप्लीकेंट है उसको कंपनी के उद्देश्यों से रूबरू करवाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि इट ट्राइज टू डेवलप फीलिंग ऑफ गुडविल एंड ट्रस्ट इन एप्लीकेंट्स
It tries to develop of goodwill, goodwill and trust in the applicant. यानी कि जो भी हमारा प्रार्थी है वो संस्था की कंपनी की जो भी संस्था या कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का प्रयास करना है। फिर है कि चाहे प्रार्थी को रोजगार के लिए चयन किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है, कि कौन कौन सी उसको शर्तें माननी है, उसकी एक फिक्स प्रोसेस होती है। फिर रोटेशन होता है इनका, तो इस तरह से इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये क्या कहता है कि सबसे पहले अधिकारी अपने पास उपलब्ध प्रत्याशियों की सूची में यह देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति उस जो भी पोजीशन खाली है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए सही है। उसके बाद ये क्या देखते हैं कि जिस पर्सन को हम चूज कर रहे हैं क्या वो हमारी शर्तों, हमारी योग्यताओं को फुलफिल कर रहे हैं। जैसे आपने एड में देखा होगा बहुत बार कि लिखा होता है कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, एज इतना होना चाहिए, ये सारी जो कंडीशंस है उन कंडीशन पर खरा उतरना चाहिए। फिर एक संस्था इनमें से कौन कौन सी शर्तें मान सकती है। इन शर्तों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो शर्त है वो वेतन की शर्त है। जब भी एक नॉर्मल पर्सन अगर इंटरव्यू देने आ रहा है तो उसको जो भी जहाँ पर भी वो जॉब कर रहा है उसके वेतन के लिए जो भी कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया आगे बनी हुई है। फिर ये साक्षात्कार लेने वाले को उद्देश्य रहित प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन जो इंटरव्यू ले रहा है उसको नहीं पूछना है जो उस टॉपिक या उस कंपनी के बाहर से हो या कंपनी का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं करता हो। तो साक्षात्कार का उद्देश्य प्रत्याशियों की मानसिक सजगता, यानी कि द पर्पज ऑफ इंटरव्यू इज टू टेस्ट द मेंटल mental alertness, एक सेकेंड, अलर्टनेस, सेकेंड है हमारा मैच्योरिटी, थर्ड है हमारा विजडम कैंडिडेट। क्लियर है यहाँ तक? इट्स पर्पस इज टू चेक हिज इंटरेस्ट एंड वर्क एंड नो टू हैव आवर टैलेंट्स, टू चेक हिज इंटरेस्ट इन द वर्क, उसका जो कार्य करने की प्रति रुचि है उसको चेक करना है, और टू नो अबाउट हिज टैलेंट। क्लियर है यहां तक? ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी कुछ प्री रिक्वेस्ट कंडीशंस हैं वो क्या कहती हैं। चलिए वो देख लेते हैं। प्री रिक्वेस्ट ऑफ इंटरव्यू, क्लियर है? ठीक है, अब हम कुछ शर्तें पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं वो देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस, ठीक है, यानी
कि जो भी हमारा स्थान का चुनाव है वो सही होना चाहिए। आपको जो साक्षात्कार लेना है उसके लिए एक उचित स्थान होना या उचित स्थान का चयन किया जाना चाहिए। साक्षात्कार के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इंटरव्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न करे। सेकेंड है हमारा फ्रेंडली एटमोसफेयर। फ्रेंडली एटमोसफेयर यानी कि मैत्रीपूर्ण वातावरण होना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि रखा जाए कि साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति से मैत्रीपूर्ण भाव से मिले, जिससे साक्षात्कार जो भी दे रहा है वो व्यक्ति आसानी से उस साक्षात्कार लेने वालों के जो भी क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं उनका सही से जवाब दे सके। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर हमको आता है पर हम हड़बड़ाहट से या फिर हमारे जो सामने जो भी हमको क्वेश्चन पूछ रहा है उनके डर से हम गलत आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारी दो कंडीशन थी इंटरव्यू लेने से पहले की कंडीशन। अब आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप का होता है इंटरव्यू हमारा। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, अब वो देख लेते हैं कि इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा इंटरव्यू है, ये हमारे कोई 6 हैं इंटरव्यू के टाइप। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट। सेकेंड है हमारा प्रॉब्लम इंटरव्यू। ये था हमारा सेकेंड। थर्ड है हमारा प्रमोशन इंटरव्यू, जब हमारी पदोन्नति हो रही है तो उस समय का इंटरव्यू। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा पर्सनल इंटरव्यू। फिर फिफ्थ है हमारा इंटरव्यू फॉर जॉब। एंड लास्ट वन है हमारा इंटरव्यू फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ जॉब कंप्लीशन, हम ये वाला जो पार्ट है वो नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि इजी रहेगा आपको। सिक्स जो है वो है हमारा इंटरव्यू फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर है, ये है हमारे 6 टाइप। ठीक है, इंटरव्यू के सबसे पहला कौन सा है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सेकेंड है हमारा प्रॉब्लम इंटरव्यू, थर्ड है हमारा प्रमोशन इंटरव्यू, फिर है पर्सनल इंटरव्यू, देन उसके बाद है इंटरव्यू फॉर जॉब, एंड उसके बाद है हमारा इंटरव्यू फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे थे 6 इंटरव्यू। अब हम इसी को थोड़ा सा देखिए, हमने सबसे पहले इंटरव्यू देखा है, इन जो ये हमारे जो पार्ट्स है इनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक एक पार्ट को हम डिटेल में इसका डिस्कशन दे देंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल मीटिंग। इंटरव्यू इज एन इंटरव्यू, वेरियस पीपल आस्क वेरियस क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू। यानी कि इन शॉर्ट ये जो हमने इतना जो
बताया है उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि इंटरव्यू जो है वो दूसरे जो भी हमारे पास जिनसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का मोटिव क्या है, ताकि हम उनका बिहेवियर, उनका गेस्चर, उनके एक्सप्रेशन से हम उनकी एबिलिटी, उनके टैलेंट, उनके मोटिवेशन को जान सकें और उनका नॉलेज कितना है हमारी इस फर्म में इस काम को लेकर। ठीक है, तो इसके लिए इंटरव्यू लिया जाता है। सामने वाला जो कंपनी का होता है एचआर, मोस्टली एचआर लेते हैं, तो एचआर जो होता है वो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके जो भी टॉप लेवल के क्वेश्चंस है इंटरव्यू के हिसाब से उन सारी की डिस्कशन, ओरल डिस्कशन वहाँ करते हैं। फिर हमने देखे हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे इंटरव्यू के, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव ही है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू, क्लियर है? ठीक है, इनके और ये ऑब्जेक्टिव्स है। फिर हमने प्री रिक्वेस्ट देखे कि दो कंडीशन थी, सबसे पहली सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर प्लेस, सेकेंड है फ्रेंडली एटमोसफियर होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम, प्रमोशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड इंटरव्यू फॉर जॉब एंड इंटरव्यू फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहना ताकि आपको ये जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल करेंगे तो समझ आ जाएगा। थैंक यू।